हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत इजी वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडी जैकेट, फ्रॉक, शॉल, कैप, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 6 रोज़ का डिज़ाइन है। इन्हीं 6 रोज़ आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 13 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 3 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 13 प्लस 3। इसमें मैंने 13 मल्टीपल करके 26 प्लस 3 कर लिया है, टोटल 29 कर लिया है। फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, इस तरह से। फिर यहाँ ऊपर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर यहाँ ऊपर अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। आगे की एक फंदा को इसे पलटना है, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 1 2। फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाया आगे की साइड से, यहाँ ऊपर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर यहाँ ऊपर कीजिए, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, 2 फंदा सीधा, 1 2। आपको ए रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2। फिर इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, इस तरह से। फिर यहाँ ऊपर कीजिए, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर यहाँ ऊपर कीजिए, अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। आगे के एक फंदा को ऐसे पलटना है, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 12 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 1 डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, फिर 12 फंदा उल्टा, 2 4 6 8 10 12। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 12 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचे का धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। फिर यार्नों पर छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच छह। फिर यार्न ओवर कीजिए। फिर ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की, एक फंदा को ऐसे पलटना है, फिर ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। फिर यार्न ओवर कीजिए, छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ। फिर यार्न ओवर, फिर ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे के, एक फंदा को ऐसे पलटना है, फिर ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप फोर रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे कीजिए, फिर चार फंदा सीधा, उल्टा फंदा को भी सीधा बुनना है, एक दो तीन चार, धागा आगे कीजिए, फिर से चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर चार फंदा सीधा, दो चार, फिर चार फंदा उल्टा, दो चार। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो दो तीन चार, धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे कीजिए, फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। फिर यार्न ओवर, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। फिर यार्न ओवर,
अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है। आगे की एक फंदा को ऐसे पलटना है, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, इस तरह से। फिर यहाँ ऊपर कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे। फिर दो फंदा सीधा, एक दो। फिर यहाँ ऊपर अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है। आगे के एक फंदा को ऐसे पलटना है, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो सेम रो फोर के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे, फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे, फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जो सिक्स रोज का है, इन्हीं सिक्स रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो सिक्स तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।